अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना जलील। और कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे। और हर घर में आजकल बकरीद की तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों पे जा रही होंगी। बिल्कुल जनाब, ज़ोरों पे जानी भी चाहिए क्योंकि बकरीद है बहुत नज़दीक। और बकरीद पे आपको पता है कि सबसे पहले हम कलेजी तैयार करते हैं। कसाई से कहा जाता है जल्दी से कलेजी निकालो, और कलेजी तैयार होती है। और फिर हमारे घरों में, तो मेरे घर में ये होता है कि कलेजी बनती है वो, और बहुत सारी बनती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो फिर कसाई को भी इसमें शामिल किया जाता है खाने में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप यकीन करें, मेरे घर में तो कलेजी साल में सिर्फ उसी दिन बनती है जिस दिन कुर्बानी होती है, क्योंकि सुन्नत है, इसकी अदायगी हमें करनी है। तो बताइएगा कि आप लोग किस तरह से करते हैं कलेजी, कौन सी बनाते हैं। वैसे हम भी कलेजी की रेसिपी आपको दे रहे हैं, और आप इंशाल्लाह जब बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं ये भी बहुत ज़बरदस्ती, एक बीफ की रेसिपी। अब बीच बीच में आप देखिएगा कि हम आपको बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ भी दे रहे होंगे, कुछ चिकन की भी होंगी, कुछ चटनियाँ भी होंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे घरों में क्या होता है कि कुर्बानी का गोश्त खाया ही नहीं जाता है। कुछ लोग ऐसा है कि गाय का खाते हैं, कुछ बकरे का खाते हैं। तो मिलीजुली हम रेसिपीज़ इसीलिए दे रहे हैं, वही रेसिपीज़ होती हैं जो नॉर्मली हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। आज जो ये रेसिपी बन रही है ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी, ये मेरी कज़न रुबीना जो है ये बनाती थी, तो मैंने उन्हीं से ये सीखी है रेसिपी, और उन्होंने ये पेशावर से सीखी, इसीलिए इसका नाम है पेशावरी बीफ। सिंपल रेसिपी है, और जब बोंग का गोश्त आता है ना, तो उससे से जहन में यही आता है कि जी निहारी बनेगी इससे। लेकिन यहाँ ये बोंग का बीफ का गोश्त है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 10 पीसेस थोड़े से नॉर्मल बोटी से ही बड़े हैं, ये देखेंगे सब ये बोंग की बोटियाँ हैं, इससे बनाएंगे हम। तो आप सोच सकते होंगे कि जनाब ये कितना मज़े, ये देखें, अरे वाह क्या ज़बरदस्त सी बोंग है। तो इससे निहारी नहीं बना रहे, पेशावरी बीफ बना रहे। ये कुछ हड्डियाँ भी हमने यहाँ रखी हुई हैं, 750 ग्राम हमारे पास यहाँ गोश्त हैं। इसके अलावा 3 से 4 आप हड्डियाँ लीजिएगा। और आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारे किचन में इस वक्त 2 तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं भाई। ज़ाहिर है कुछ घरों में इस वक्त आपको पता है जानवर आ चुके होंगे, कुछ घरों में आने वाले होंगे, हमारे घर भी आ गया, लेकिन ऑब्वियसली हम उसको तो हम किचन में नहीं ला सकते। तो ये छोटे से प्यारे से हमने 2 चीज़ें बना के रखी हैं। देखें, आप देख सकते हैं ये बकरा है और ये है गाय, खूबसूरत सी प्यारी सी हैं। ये सिर्फ हमने किचन में रखने के लिए बनाई है, और ज़ाहिर जब हम किचन में काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम हमारी पूरी तवज्जो चीज़ों के ऊपर होती है, ना कि हम यहाँ पर वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखिए और इन्जॉय कीजिए, और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को जो कि हम बनाएँगे घी के साथ। अच्छा, ये रेसिपी 100% आपने घी से ही बनानी है, ठीक है, क्योंकि इसका टेस्ट ही इसी से आता है। हम लोग कभी कभी ये कहते हैं ना कि ओह भाई बाज़ार की फलानी चीज़ हमने खाई थी उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा था। ये गया इसमें घी, घी थोड़ा सा इसमें ज़रा ज़्यादा जाता है। ये मैं डालूँगी तकरीबन 3/4 कप के करीब, ये चला गया इसमें। और अब इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे, ये कुछ हरी मिर्चें मेरे पास हैं, ये देखें जी हरी मिर्च, ये हरी मिर्चें मैंने 5-6 हरी मिर्चें ले ली हैं, और उनको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें हल्का सा कट लगा ली, ठीक है, थोड़ा सा कट लगा के इसको मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके हम इनको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद क्या करेंगे भाई, ये बस आप देखते रहिए, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो पता चलेगा ना कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि हड्डियों को आप अलग से नमक डाल के बॉयल कर लें, और से एक थिक सी जो यखनी है वो आप निकाल के रख सकते हैं, वो इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैंने हड्डियाँ मैं इसके साथ ही शामिल करूँगी। इट्स अप टू यू, आपको जो ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और फ्राई करेंगे, लेकिन एहतियात कीजिएगा, ज़रा मिर्च साहिबा जो है ना थोड़ा सा, लेकिन ये फ्राई मिर्च आपको इसके साथ बहुत मज़ा देगी इंशाल्लाह। चलिए जी, ये हो गई, इसको मैं निकाल के रख लेती हूँ, थोड़े बहुत बीच रखे बचे हुए ना, इसमें कोई इशू नहीं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बस 5-6 गोश्त के हिसाब से लिए। अब जाएगा ये मीट इसके अंदर, ठीक है, चूल्हा थोड़ा स्लो कर देते हैं, और ये देखें बोंग का गोश्त ही इसमें अच्छा लगेगा। वैसे होता है ना कि जब गाय आपके घर में पूरी हो रही होती है तो बोंग बहुत सारी होती है, फिर आप कितनी दफ़ा निहारी बनाए ना, तो भाई ये भी बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। चलिए जी, ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पहले हम फ्राई करेंगे, कलर चेंज करूँगी मैं इसका। ये देखेगा, देखा आपने, अब ये बोटी आपने देखा मैंने कितनी बड़ी सी डाली थी, लेकिन ये श्रिंक हो गई। तो ये पहचान है इस बात की कि जब आप हलाल गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें, ये देखें कितना ये असली बिल्कुल गोश्त हलाल गोश्त है, कि ये श्रिंक हो गया है।
वरना आपको पता है कि जब अगर हलाल ना हो तो वो श्रिंक नहीं होता, वो फैलता है। ये आप देख सकते हैं कि बोटियाँ छोटी छोटी हैं। अब मैं चूल्हा थोड़ा स्लो करूँगी, इस पर हल्का सा कलर आ गया है और इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकालते हैं। ये बोटियाँ आपने देखा ना आपके सामने कितनी बड़ी थी, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी हो गई है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है। ये टमाटर यहाँ मेरे पास मौजूद है, ज़्यादा टमाटर नहीं पड़ते इसके अंदर। ये मैं बड़े साइज़ के थोड़े से टमाटर हैं, इनको हमने दो दो पीसेज में कर लिया है। इसको भी हल्का सा पहले एक कलर देंगे, कलर से मेरा दी है कि हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। चले तो फ्राई कर लेते हैं, फिर हम इसमें मज़ीद गोश्त दोबारा से डाल देते हैं ना थोड़ा। चले ये भी हो गया। इससे क्या होगा कि बड़ी अच्छी सी एक खुशबू जो है वो आ जाएगी आपके, आप ये गोश्त बनाएगा। इस तरह से आपने तेज आंच पे फ्राई करना है। अगेन हम ये मीट जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है, यहाँ पर हम क्रश किया हुआ थोड़ा सा अदरक शामिल करेंगे, यानी एक बड़ा टुकड़ा देखा लग गया। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे, जो कि है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा क्रश किया हुआ ये लहसुन, 5-6 जगह लहसुन के हमने इसमें शामिल करें। ये हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगा। अभी आपने देखा मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, अदरक लहसुन आपने देख लिया है कि मैंने इसके अंदर शामिल किया, और अदरक लहसुन जो है वो हमने अपने शो पे बनाया था, और इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो भाई आप भी, क्योंकि बकरीद आती है ना, तो लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये देख सकते हैं आप, ये पक रहा है। नमक जाएगा जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें जाएगा 1.5 टेबल, अप टू यू कि आप इसमें कितना पसंद करते हैं, अपने हिसाब से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये हड्डियाँ जो हैं ये भी डाल दूँगी, और भाई अब ये पकेगा कम अज़ कम 4 से 5 घंटे, क्योंकि बोंग का गोश्त है, इसको हमें अच्छा गलाना है। ये गया पानी, अब आँच तेज़ कर देते हैं। आपने देखा कि कितना इसके अंदर जो है छींटे उड़े हैं। ये क्या पानी, पानी इसमें तकरीबन 4 कप, ठीक है, ये 4 कप पानी चला गया इसमें। अब मैं इसको कवर करती हूँ, और 4 से 5 घंटे बाद हम उसी तरह से आपसे मिलेंगे जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तानी मूवीज़ होती है ना, उसमें गोल सा चक्कर घूमता है, और घूमने के बाद क्या होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है। मैंने कहा था ना कि वो चरखा चलता है, बच्चा जवान हो जाता है, तो मैं यहाँ देखती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या हालात है। ओए ज़बरदस्त, माशाल्लाह से ये मैं इसको आपको दिखाती हूँ, चूल्हा करती हूँ तेज़, बेहतरीन सा ये मीट जो है ना। अच्छा मैं काम करती हूँ, ये हड्डियाँ जो है ना अब हमारे किसी काम की नहीं, इनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये देखिए इन हड्डियों का जो ज़बरदस्त टेस्ट निकला है ना, अब इसमें जो चीज़ें और भी जाएंगी। ये मैं एंड में थोड़ा सा डाल रख दूँगी इसके साथ, पता है क्या टेस्ट अच्छा हो जाता है इन चीज़ों से ना। और इसमें निकल रहा है ये गूदा, ये वाली हड्डी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको मुझे भूनने की ज़रूरत नहीं। अब ये देखें टमाटर हमने डाले थे ना, ये देखिए अब ये गल गए हैं, और गोश्त भी बहुत ही अच्छा सा गला हुआ है इसमें। अब इसमें क्या जाएगा, इसमें डालेंगे हम काले मिर्चें, कुटी हुई काले मिर्चें हम इसका। अच्छा टमाटर के अगर ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास छिलके हैं, मैं इनको निकालती जाती हूँ। जिस हद तक आप निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। अच्छा इस वाले मीट में थोड़ी सी आपको हल्की सी ग्रेवी रखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ कितनी रखनी है। अब आप इसकी ग्रेवी जो है ना ये चेक कीजिए कैसी गाढ़ी गाढ़ी सी है ना, ये सिर्फ इन हड्डियों की बदौलत चाहिए। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी बोंग या अदले हैं आप उससे सिर्फ निहारी ही बना सकते हैं, आप उससे और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। देखें आप, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा काली मिर्चों को अभी ऐड करती हूँ। अच्छा काली मिर्च जो है इसमें आपने कुटी भी शामिल कर दी, तो ये मेरे पास कुटी भी काली मिर्च है जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। ये तकरीबन इसका सारा मज़ा ही इसका है। ये आ गई काली मिर्च 1 टीस्पून, और ऊपर से भी हम इस पर थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे। बस ज़बरदस्त, इसमें इतनी ग्रेवी होना चाहिए, जैसे ये आप देख रहे हैं इतनी ग्रेवी इसी से आएगी, क्योंकि आपके सामने मैंने इसमें कोई प्याज भी डाली, कुछ ही डाला, टमाटर भी मैंने सिर्फ 4 अदद डाले थे। तो ये जो जितनी भी हड्डियों की यखनी निकली है ना, अब आप यखनी चाहें तो ये पहले से भी निकाल के रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें पकाएं, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि ये आप साथ पकाएंगे तो इसका टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगे। तो चलिए आ जाते हैं, उसको निकालना शुरू करते हैं। एक हड्डी जो है हम इसको यहीं पे रखेंगे। चलो तो हम ऑफ कर देते हैं। वेरी ज़बरदस्त सी ये तैयार हो चुकी है पेशाबी गोश्त। थैंक यू सो मच रुबीना कि आपने मुझे इतनी अच्छी रेसिपी बताई, जो मैंने
अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर किया आप लोगों के साथ। इसको मैं पूरे को डालती हूँ और आखिर में हम इसमें अनियन रिंग्स डालेंगे और जो हरी मिर्चें हमने फ्राई करके डाली थी वो डालेंगे और एक चीज़ और भी डालेंगे, वो अभी मैं नहीं बता रही, जब डालूँगी जब बताऊँगी। अच्छा जी, ये जो हमने फ्राई की थी हमारे पास जो ये हरी मिर्चें हैं ये जाएंगी इसमें। भाई बहुत ही अमेजिंग बनेगी ये रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई गोश्त से हटकर है और डालेंगे इसमें ये अनियन रिंग्स। ओहो ज़बरदस्त। अच्छा अभी एक चीज़ और डालूंगी, मैंने आपसे कह रहा मैं बताऊंगी आपको, इंतज़ार कीजिए ज़रा सा। देखिए अच्छी चीज़ के लिए तो वेट करना पड़ता है ना थोड़ा सा। वाह, और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट ये गई काले मिर्च, ये आपने ज़रूर स्प्रिंकल करनी है इसके ऊपर। ये गई 1 टीस्पून मैंने पहले डाली थी और तकरीबन 1 ही टीस्पून मैं अब इसमें शामिल करी। तो है ना मज़ेदार, बिल्कुल इस डिश को आप बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीरा जलील और इस वक्त मैं मौजूद हूं द नेक्स्ट स्कूल मलीर कैंपस में। जनाब एंट्रेंस में तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर समर कैंप है, समर कैंप में हम क्या करने आए हैं यहाँ पर, तो वो हम आपको बताएंगे, आपको हमारे साथ चलना होगा। यहाँ पर माशाल्लाह बच्चों की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी हैं।